नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा कि 24 घंटों में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, 13 लोग ठीक होकर घर वापस गए, 102 एक्टिव केसों की संख्या है, रिकवरी रेट 98.2% है और 54,000 सैंपल लिए गए हैं। डरवारा में संयुक्त किसान मोर्चे की होने वाली किसान महापंचायत पर बोले नरोत्तम मिश्रा, किसान पंचायत की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, ना के बराबर है। ये सब प्रदेश की जनता समझती है, ये तो मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं, जिसे काला कानून बता रहे हैं। आज तक ये नहीं बता पाए इस कानून में काला क्या है। आंदोलन चलते 8 से 10 महीने हो गए, लेकिन किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में टीकाकरण महाअभियान 18 अक्टूबर को प्रातः से प्रारंभ होने वाले आयोजन हेतु प्रातः 9 बजे बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज 50,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। शाम 6 बजे तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण के लिए आज का पूरा दिवस कार्यवाही के लिए है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी सतत मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, लोकायुक्त जी ने एक रिपोर्ट जो है राज्यपाल जी को दी है वार्षिक विवरण की, और उस वार्षिक विवरण में इनकी सरकार के खिलाफ जो टिप्पणियां हैं आप उसे देख लें। मेरी दतिया विधानसभा में भी 4-4, 5-5 कलेक्टर बदल दिए थे साल भर में। ये सब जांच के विषय हैं उसमें, और उस विवरण वार्षिक विवरण को आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि लोकायुक्त पर टिप्पणी क्यों की इनने। एक दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना ये कांग्रेस का आदत है, शगल है। चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग पे, केस हार जाएं तो न्यायपालिका पे, लोकायुक्त खिलाफ रिपोर्ट दे दे तो लोकायुक्त पे, सेना अगर घुस के मारे तो सेना पे सवाल। ये सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, या जो चीज देश को तोड़ने में सहायक होती है, महान भारत को बदनाम भारत कहने में कमलनाथ को मजा आता है।